आप देख रहे हैं वाराणसी पब्लिक न्यूज और मैं हूँ आपके साथ। मेरी ज्वाइनिंग जो है मुख्य चिकित्सा अधिकारी से हुई थी। हम लोग यहाँ पर अभी डीएम सर से मिलने के लिए आए थे, कल भी आए थे हम लोग मिलने के लिए, सैटरडे को आए थे तो सैटरडे को सर मिले नहीं थे, अभी फिर आए हैं मंडे को सर से मिलने के लिए। सर अभी मीटिंग में हैं। अभी आगे आप लोग क्या करने वाली हैं? लगातार दो दिन से जिलाधिकारी से मुलाकात नहीं हुआ। सर इस समय भी जिलाधिकारी से हम लोग की मुलाकात नहीं हुई है, पर हम लोग अपना एप्लीकेशन जो है डेट जमा कर दिए हैं डीएम कार्यालय में। और जो है अब देखिए, सर लोग बोले हैं कुछ रिसीविंग तो मिला नहीं है, सर बोल रहे हैं कि तो आप लोगों के मोबाइल पे इंफॉर्मेशन जाएगा। हम लोग चाह रहे हैं कि हम लोग फिर से जो है अपने कार्य पे चले आएँ। हम लोग को क्यों निकाला गया है, बाकी लोगों को क्यों रखा गया है? कुछ लोगों को निकाले हैं, कुछ लोगों को रखे हैं, बिना किसी आदेश के ही निकाल दिए हैं। और अब हम लोग के पास बहुत बेरोजगारी की समस्या हो गई है, घर पे भी जो है हम लोग जॉब कर रहे थे कि हम लोग सोचे कि महामारी में जॉब कर रहे हैं, हम लोग को आगे भी रखा जाएगा, बिना कुछ बोले ही हटा दिया गया है। सर से रिक्वेस्ट है कि सर हम लोग को फिर से जो है रख लिया जाए। जी किशन मौर्य, किशन जी आज आप कहाँ आए और क्या कर रहे हैं? आज हम डीएम कार्यालय में आए थे, अपना प्रस्ताव देना था कि सर हम लोग को कोविड के दौरान, हम लोग कोविड में महामारी में काम कर रहे थे, हम लोग को निकाल दिया गया है। अभी आप लोगों का बिना किसी शासन आदेश के, अभी आप लोगों का किससे मुलाकात हुआ और क्या आप लोगों को सांत्वना मिला? डीएम साहब से हम मिलने आए थे, डीएम साहब मीटिंग में थे, उनके कार्यालय में हम गए, इनका अपना जो हमारा प्रार्थना पत्र था उनको दिए और हमने रिसीविंग मांगा तो रिसीविंग मिला नहीं, बोले कि आपको दो तीन दिन में रिसीविंग मिल जाएगा। प्रार्थना पत्र में आपके क्या है जो लगातार आज तीन दिन से आप जिलाधिकारी कार्यालय के चक्कर काट रहे हैं? प्रार्थना पत्र में हम अपने दोबारा काम करने के लिए मांग किए हैं डीएम साहब से, हेमो सर से, आप देख रहे हैं बीपीएन न्यूज़ के यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना।